हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर नेक्स्ट ब्लॉग। तो गाइस जैसे कि शाम हो चुकी है, मॉर्निंग तो बहुत देर की होके निकल गई और हो चुकी है शाम। पतंगे उड़ रही हैं खूब और हमारा हुलिया हो रहा है ऐसे ही, दाढ़ी मूछे बाल सब बड़े हुए। तो अभी कल मतलब आज रक्षाबंधन पूरा हो जाएगा तो सावन का आज कल से हम कटा लेंगे, मतलब कल को शेविंग करवानी है, बाल भी कटवाने। से सावन के चक्कर में बाल वाल नहीं कटवा पाया हूँ, तो फिलहाल अभी कल जाएंगे और कटवाएंगे अपने बाल वाल, क्योंकि वैसे भी आज ट्यूसडे है, शायद ट्यूसडे ही है ना, क्या है, वेडनेसडे है। तो फिलहाल कल जाएंगे, जो भी हो तो कल जाके अपने बाल वाल हुलिया ठीक करेंगे। यार बहुत बड़े हो गए, सब लोग टोकते हैं कि बहुत बड़ी दाढ़ी मूछ हो गई। तो फिलहाल अभी ऊपर हैं और पतंग का मज़ा ले रहे हैं, देख कर रहे ऐसे ही। तो चलो मैं आप सबको दिखाता हूँ कितनी पतंग उड़ रही है। गाइस आज पतंगें उड़ रही हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है, 30 है आज तारीख, तो पतंगें खूब सारी उड़ रही हैं। ये पतंग कट के आई है, उसने उसको लपेट लिया है, लिपटी भी नहीं, निकल गई। चलो फिलहाल देखो कितनी सारी पतंगें उड़ रही हैं उधर। अब हम तो उड़ाते नहीं यार गाइस, क्योंकि पहले से ऑप्शन सब चीज़ों का अब तो है नहीं। फिलहाल अब तो देख लेते हैं ऐसे ही। तो रोटी बन रही है और चाय बन रही है, अभी रात के लिए चाय, रात तो हो ही चुकी है। ये बना रही है मम्मा हमारी रोटी, फुल के बना रही है, वो भी डॉगियों के लिए बना रही है। हमारे लिए तो बनी हुई है, वैसे भी हमने खा लिया था, रखी हुई है दोपहर की, बची हुई शाम अभी खाया था खाना थोड़ी देर पहले। ये डॉगियों की रोटी बन रही है, इतने सारा आटा मल जाता है डॉगियों के लिए, रोटी बनती है मोटी मोटी रोटी, बढ़िया होता है।